जैसे आपने कहा कि प्रेम अलग अलग रंगों में खुलता है अपने आप को, पर्दों से अपने आप को बताता है, दिखाता है, फिर वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ये तो बात प्रेम की हुई, तो अगर प्रेम को ही हम देखें तो क्या अटैचमेंट भी सिनोनिमस नहीं है प्रेम से ही? इट्स अ टाइप ऑफ, जब हम किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, प्रेम करते हैं किसी से, तो हम महसूस करते हैं कि जो अटैचमेंट होना चाहिए वो अटैच्ड हो जाते हैं, जिसको मोह कहते हैं। तो ये मोह और प्रेम में कोई एक खास किस्म का, एक लकीर का डिफरेंस है, या ये क्या चीज़ है जो हम लोगों को अटैच करती है? और अगर अटैचमेंट है तो वो प्रेम नहीं होता है, या वो भी प्रेम का एक चरम होता है? ये नहीं, चरम तो नहीं होता, प्रेम का एक टाइप होता है। अटैचमेंट ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं होता है, अटैचमेंट भी प्रेम होता है, वो पैरों से चलता हुआ प्रेम होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर पैर नहीं चलेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और तो अटैचमेंट जो होता है वो प्रेम को सीमाओं में बंद करता है। जैसे इस कमरे में भी आसमान है, इस कमरे में भी ऐसा नहीं आसमान, आसमान का मतलब एम्प्टी स्पेस। आसमान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नीले रंग का बाहर कोई टंगा हुआ है कोई छतरी, आसमान एम्प्टी स्पेस। तो प्रेम भी अगर हम आसमान की तरह देखें तो वो है तो सार्वभौमिक, जिसकी बात अभी करी, लेकिन जब हम अटैचमेंट में होते हैं तो उसको हम इस कमरे की तरह कन्फाइंड करते हैं, उसको छोटा बना देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब बहुत ज़रूरी है, और हमारी ये भावनाएं, हमारी ये भावुकता, ये सभी उसको प्रेम को सहयोग दे रही है, बढ़ा रही है। कोई हमारे जीवन में आया, चाहे वो संतान के रूप में हो, हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, लवर के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अटैचमेंट बनाते हैं लोग, बनते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं देख पाते कि यूँ तो हर किसी का आना जीवन में गिफ्ट, उपहार है, और उपहार पर आप क्लेम नहीं कर सकते। आप करिए क्लेम, वो आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, गिफ्ट है। आया आपके जीवन में कोई, आपने क्या किया उसके लिए, आपकी क्या पात्रता थी, क्या आपका उसमें एलिजिबिलिटी का क्लेम था कि ये व्यक्ति आया, क्योंकि आया, क्यों आया? कभी सताने भी आ सकता है, कभी जीवन को सुंदर बनाने भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आया, तो ये अस्तित्वगत घटना है, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग। अटैचमेंट क्या कहता है, जैसे कि हमने ही कुछ पैदा कर दिया है तो हमको ही इसको बचा के रखना है। फिर अगर हम जिसको वो कहते हैं जीवन जैसा गुजरता है वैसे गुजरते जाते हुए देखता है रूमी, जो कहते हैं वो अपने तीसरे उस पे पायदान पर आकर, लेकिन शुरुआत में हमको लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस इंसान को ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए इसको, और सब अपनी तरह से होता चला जाता है, हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर हम ये भी सोचते हैं कि इसको रुकना चाहिए, इसको जाना चाहिए, इसको नहीं रुकना चाहिए, इसको नहीं जाना चाहिए। जब जिसको रुकना होता है रुकता है, जब जिसको जाना होता है जाता है, सामान्य रूप से भी और दुनिया से भी, दोनों चीज़ें। बच्चे आए आप किसी के जीवन में, खूब सोचता है व्यक्ति बच्चों को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन बच्चे तो जैसे होंगे वैसे होंगे, अस्तित्व उनको तय करता है। पढ़ेंगे तो रुकेंगे कि जाएंगे, साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पता, चलता रहता है। और फिर रहा सवाल दुनिया से ही जाने का फाइनल, अटैचमेंट आप कितना बना लीजिए, बना लीजिए अटैचमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जाना होगा तो जाएगा। हमारे तो कोई असाइनमेंट में है ही नहीं वो चीज़, हम उसको रोक सकें। गिफ्ट है, उपहार है, लोगों का आना, प्रेम का जीवन में आना एक उपहार है। इसीलिए अगर हम समझें तो प्रेम की बात ये कहती कि जब है जीवन में तो उसका पूरा आनंद ले, कब उपहार चला जाएगा कोई नहीं जानता, अटैचमेंट का क्या करेंगे। एक फूल भी किसी ने तुम्हारे हाथ में पकड़ाया, आनंद लीजिए उस फूल का, उसकी खिलावट का, उसकी खुशबू का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये फूल बिखरेगा। आप सोचें कि नहीं बड़ा अच्छा गिफ्ट आएगा, इसको सजा देते हैं, बंद कर देते हैं तिजोरी में, हफ्ते भर बाद खोलेंगे, हफ्ते भर बाद तो फूल मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। तो प्रेम भी एक ऐसा फूल होता है जिसका अभी और यहीं राइट नाउ हमको जी लेना होता है।
अगर नहीं जीते हैं तो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिर वो बचता नहीं। बहुत सारे अटैचमेंट के जो संबंध होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि लोग इतना बचा बचा के चलते हैं कि बाद में कुछ बचता ही नहीं, हाथ में केवल राख रह जाती। तो अटैचमेंट तो केवल मैन क्रिएटेड, माइंड क्रिएटेड एक लिमिटेशन है, वो भी प्रेम का ही एक ढंग, लेकिन ये थोड़ा इग्नोरेंट वे है। जो इंटेलिजेंट और अवेकंड वे है प्रेम का, वो लोगों को, घटनाओं को एक उपहार की तरह, गिफ्ट की तरह देखता है, तो उनका सम्मान भी करता है, उनका ऑनर भी करता है, उन पर पकड़ भी नहीं बनाता, उन पर इतना पजेसिव भी नहीं होता, क्योंकि क्या पजेसिव होंगे, क्या पकड़ बनाएंगे, क्योंकि आपने तो पैदा नहीं किया था। घर घर के जो झगड़े हैं अटैचमेंट के, वो इसी बात पर तो हैं, क्योंकि लोग लगता है कुछ हमने पैदा किया तो इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। आपने तो कुछ किया ही नहीं था पैदा जिसको आप कंट्रोल में कर लेंगे, वो सब अपने ही ढंग से विकसित होगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा, तो उस ढंग से देखना चाहिए। Thank you.